देखे होंगे कोर्स के बारे में, ठीक है। कोर्स में देखिएगा, अभी बहुत कम फी कर दिया गया है, तो आप लोग इसमें ऑनलाइन प्रोसेस करवा सकते हैं, किसी को बोल भी सकते हैं, कम फी में हो जा रहा है, ठीक है ना, कोर्स हो जाएगा। देखिए ऑफलाइन क्लास है यहाँ पे, ऑफलाइन में कितना फी है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लास में। और ऑनलाइन क्लास में कितना है, देखिए DCA कोर्स मात्र आपको कितना में हो रहा है, 1100 रुपया में आपको ऑनलाइन क्लास हो जाएगा। और ऑफलाइन में यदि आप पढ़ते हैं तो आपको 2999 में हो जाएगा, ठीक है, 2999 में हो गया, बहुत कम है और बहुत कम ही फी रखा गया है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो देखिए bcstindia.in पे चल जाइएगा, स्टूडेंट जोन में जाना है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, स्टूडेंट लॉगिन मिलेगा पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको मोबाइल ऐप के थ्रू एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, ऑनलाइन रिजल्ट आता है, उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जब आप लोग DCTT करते हैं, DCTT क्या होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर एंड ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, तो ये 18 महीना का कोर्स है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए DCTT और MDCTT ये आपको 2 ईयर का है, ठीक है ना, और ये आपको है 18 महीना का, ठीक, उसमें है, रहने दीजिए ना, इसमें ऑनलाइन में जो सर्टिफिकेट पाएगा उसी का ना मैंने है, ठीक है। तो यहाँ पे DCTT क्या हो गया 18 महीना का। अब इसमें क्या है, दोनों कोर्स में फैसिलिटी, ADCA DCA अदर कोर्स कोई भी करते हैं तो आपको सिर्फ मिलेगा मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, क्या मिलेगा, मार्कशीट प्लस मूल प्रमाण पत्र। ADCA भी कीजिएगा, 1 साल का कोर्स है, और 1 साल का कोर्स में ADCA में देखिए कितना फी है, ADCA कोर्स कितना है, मात्र 6000, आपको 6000 में ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा, और ऑनलाइन 1600 रुपया में मात्र हो जाएगा, कितना में हो जाएगा, 1600 रुपया में। अब इससे सस्ता क्या हो सकता है, बहुत कम फी में इतना एप्लीकेशन देना, उसके बाद मटेरियल देना, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास देना, तो ये अब इससे सस्ता नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इस समय आपको मार्कशीट मिलेगा और मूल प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है, और यह रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड संस्थान है, इसीलिए इतना छूट दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो बताया, ये दोनों डिग्री DCTT और मास्टर डिग्री जो है, ये दोनों में आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए मूल प्रमाण मार्कशीट मिल जाएगा, मूल प्रमाण पत्र मिलेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट का जो है, प्रोजेक्ट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर, ठीक है, और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग का अलग से फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि टीचर ट्रेनिंग, ठीक है ना, टीचर ट्रेनिंग का मिल जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है, 1 सर्टिफिकेट 2 3 और 4 सर्टिफिकेट मिलेगा, किस में, DCTT और MDCTT में, ठीक, तो ये फैसिलिटी है। और ये कोर्स कितना साल का है, ये 2 साल का है, ये 18 महीना का है, 1.5 साल का है। अब आप लोग सोच सकते हैं कौन कोर्स करने से कितना बेनिफिट है। अब सबसे आप जो आपको जैसे इसमें होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें इंटर होना चाहिए, ठीक है, ADCA करते हैं तो मात्र कितना है, 6000 और 1600, तो ऑनलाइन में 1600, तो ऑनलाइन वाले के लिए आपको ऑनलाइन लॉगिन दिया जाएगा, उस पर पढ़िएगा, ठीक है, उसमें मटेरियल वगैरह। ऑफलाइन में आप लोग पढ़ते हैं तो जानते ही हैं, ऑफलाइन में तो बहुत चीज़ बताया जाता है, ऑफलाइन में लैब भी रहता है, ठीक है, लैब भी रहता है, थ्योरी भी रहता है, और ऑनलाइन में आप पढ़ते हैं तो अपना सिस्टम रखिए तब पढ़िए, तो इसीलिए इतना कम फी है, ठीक है ना। और सबका फी देखिए वो बहुत कम है, इतना कम है सो कहीं पे कोई नहीं दे सकता है। और ये आपको कैसे चेक कीजिएगा, हमको रजिस्टर्ड संस्थान है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, तो आप लोग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, और 4-4 जगह से, बहुत जगह से ISO सर्टिफाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, उसके बाद है आप